जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश सोदरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से जीके जीएस का आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 3, 2, 1, 4 हमने सारे कंप्लीट देख लिए। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो उनको देखेंगे, और आज आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। सभी दोस्तों से हाथ जुड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बनते हैं सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जिनका सपना है कि 2024-25 में आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें जीके जीएस का पूरा आपका सही हो, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जितने भी होते हैं आपको सारे कंप्लीट देखने हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आपका स्वागत है। और पहला प्रश्न देखिए क्या दिए, भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है, एक विवादित जो दो देशों को अलग करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताना है जो भारत और चीन को अलग करती है। तो ध्यान से सुनना, भारत और चीन को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम ऑप्शन में दिया गया, मैकमोन, लाल रेखा, डोरन रेखा या रेड क्लिफ रेखा। याद रखना, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसे बोलते हैं आपके मैकमोन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोन रेखा। इस मैकमोन रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो आपको ध्यान देना, निर्धारण वर्ष। तो इसका जो निर्धारण वर्ष है वो लिखते चलना आप, निर्धारण वर्ष। और निर्धारण वर्ष कब से, तो याद रखना आपके 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया गया। और जो मैकमोन रेखा है ये याद रखना चीन का एक एरिया है जिसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है? तिब्बत। वहीं भारत का जो एरिया है उसे बोलते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश। भारत का एरिया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो कई बार पेपर में आता है कि मैकमोन रेखा भारत के कौन से क्षेत्र के साथ लगती है, तब आपको बताना है भारत का अरुणाचल प्रदेश, और चीन का कौन सा एरिया, तब आपको बताना है तिब्बत एरिया आपको करना है यहाँ पे। लेकिन पेपर में पूछा आता है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को, और ये रेखा किन दो देशों के बीच लगती है, तो याद रखना पाक और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि डूरन रेखा किन के बीच में है, डूरन रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1994 में, ये आपके अफगानिस्तान और भारत के बीच लगती थी, लेकिन ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का नाम क्या है? डूरन रेखा। लेकिन एक रेखा आपको जरूर पेपर में मिलेगी जिसे बोलते हैं शून्य रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। और शून्य रेखा जो लगती है लाडले, ये याद रखना भारत का त्रिपुरा राज्य और आपका पूर्वी पड़ोसी देश, यानी कि बात किसकी कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का नाम क्या है? तो याद रखना शून्य रेखा, जीरो लाइन बोला जाता है। जबकि रेडक्लिफ रेखा बोले तो भारत पाकिस्तान के साथ, मैकमोन रेखा की बात करें तो भारत चीन के साथ, और डूरन रेखा की बात करें तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। तो ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके मैकमोन रेखा। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, जो चीन है, चीन के लिए एक प्रश्न याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी आपके संसद कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो संसद है वो कौन से देश की है? चीन की। और आपसे पूछेगा चीन विश्व में सबसे ज्यादा क्या रखता है? जनसंख्या। तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं व चावल का उत्पादन करने वाला देश भी कौन सा है? चीन। और एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, चीन की जो सबसे लंबी नदी है उसे हांगो नदी कहा जाता है, उसे आपके पीली नदी कहा जाता है, इसलिए हांगो नदी का चीन का शोक कहलाती है। तो चीन का शोक किस नदी को बोला है? हांगो नदी को। और चीन की राजधानी याद रखना आपके क्या है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा सर, चीन की राजधानी बीजिंग है, और 2008 के ओलंपिक खेल बीजिंग में हुए थे। और चीन के बारे में प्रश्न सुनना, चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा लगी है? तो बोलोगे मैकमोन रेखा। जबकि चीन और भारत के बीच में एक युद्ध हुआ था, कब? 1962 का, जिसमें विजेता कौन रहा था भैया? चीन रहा था। और हार कौन सा देश गया था? भारत। भारत और चीन के बीच में एक रेशम मार्ग है,
जिसे नाथुला दर्रा बोलते हैं। तो पर्सन आता है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना चीन में। तो इस पर्सन का जो राइट उत्तर है वो आपको याद रखना है, ऑप्शन संख्या पहला। अगले पर्सन में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट पर्सन कि स्वाधीन भारत या बोल सकते हो स्वतंत्र भारत, क्या बोलोगे, स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब स्वतंत्र भारत कब हुआ भारत, तो याद रखना आपके 15 अगस्त 1947 को। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल बताए या आपके वाइस रॉय, तो उस समय जो वाइस रॉय था वो लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, आपके जे एल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर दो तीन बातें सुनना, अगर आपसे प्रश्न आ जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध क्या है, तो याद रखना आपके 24 जनवरी 1950 को इसे देश का क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति। तो कई बार प्रश्न आता है कि हमारे संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का क्या बनाया गया, तो याद रखना देश का पहला राष्ट्रपति। दूसरा सुनना, सी राजगोपालाचार्य कौन था, तो आप करोगे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और प्लस में याद रखना प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचार्य। वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश का फर्स्ट क्या था, प्रधानमंत्री, और इसके समाधि स्थल को बोलते हैं आपके शांति वन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश का क्या बना, आपके देश का पहला राष्ट्रपति। लेकिन यहां प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आपके क्या था, गवर्नर जनरल। लेकिन तीन प्रश्न सुनना, अगर आपसे प्रश्न आ जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक करना है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन उस व्यक्ति को भारत का प्रथम क्या बनाया गया, वाइस रॉय, तो वाइस रॉय किसे बनाया गया, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग को, किसे, लॉर्ड कैनिंग को। तो ये दो पर्सन इंपोर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम बोले तो बताना है सी राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बोले तो सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और स्वतंत्र भारत का पहला आपको गवर्नर जनरल बोले या ब्रिटिश व्यक्ति बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन बिल्कुल है। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत किस वर्ष हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और स्वतंत्र भारत किससे स्वतंत्र हो रहा है, तो याद रखना पाकिस्तान से, कब, किससे भैया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो दिवस है वो एक दिन पहले याद रखना है 14 अगस्त को, लेकिन भारत का स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराने का कार्य है वो देश के प्रधानमंत्री का कार्य है, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना, यानी कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य भारत का राष्ट्रपति हो या अन्य देश का मुख्य अतिथि राष्ट्रपति फहराता। तो दो बात याद रखना, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज का फहराव करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिए गए, हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का, GKGS के प्रैक्टिस नंबर 5 में आपका स्वागत है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बांग्लादेश जब आजाद करवाया गया तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ लड़ाई की थी, जो भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध बनता है। तो कई बार ये प्रश्न आता है जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तो बांग्लादेश आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान की कौन सी लड़ाई थी, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उस युद्ध का नाम क्या है, दूसरा युद्ध। और दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1971 में, कब हुआ था, 1971 में।
याद रखना 1971, इसी कारण आपके बांग्लादेश आजाद कब हो गया 1971 में। बांग्लादेश के बारे में 2% बहुत ज्यादा पेपर में फेमस होते हैं कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश की संसद को बोलते हैं जातीय संसद। क्या बोलती है? जातीय संसद कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना। बांग्लादेश के अंदर जो करेंसी चलती है उसे मुद्रा, यानी कि यहाँ की मुद्रा को टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टका। जबकि बांग्लादेश के अंदर जो आपके राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी, वो याद रखना उसे कहा जाता है भैया आपके ढाका। क्या बोलते हैं? ढाका। याद रखना जब सार्क संगठन की स्थापना की गई थी तो पहली बार सार्क संगठन का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? ढाका में। और एक प्रश्न याद रखना, बांग्लादेश भारत का सबसे 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 नजदीक 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 पूर्वी देश है। तो पूर्वी देश भारत के पास में कौन सा पड़ता है? बांग्लादेश। एक छोटा सा प्रश्न है, बांग्लादेश और भारत का एक राज्य लगता है त्रिपुरा। क्या लगता है? त्रिपुरा। इन दोनों के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? सीमा रेखा। उसे क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन, या इसे शून्य रेखा। थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था उसमें मैंने बताया था। बांग्लादेश में सर्वाधिक होता क्या है? तो याद रखना बांग्लादेश में सर्वाधिक चावल हो गया, प्लस में जूट हो गया, ये फसलें ज्यादा होती है। बांग्लादेश के पास में एक जल क्षेत्र लगता है जो हिंद महासागर का एरिया, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी। दो बातें सुनना, एक नदी है ये आपके गंगा। क्या नदी है? गंगा। और एक नदी ऊपर से आ रही है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों नदियां आपके बांग्लादेश में आ गए। किस में आ गई भैया? बांग्लादेश में। अब कई बार प्रश्न आता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र आई है तो इसको बोला है जमुना। क्या बोला है? जमुना। उसी प्रकार गंगा नदी जब बांग्लादेश में आई तब इसको क्या बोला है? पद्मा। तो ये पेपर में दो बार आते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो याद रखना पद्मा। जब पद्मा और जमुना आगे दोनों एक साथ बहती है, इनकी संयुक्त जलधारा को बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। और यहीं पे विश्व का सबसे ज्यादा अपसाद मिट्टी कंकर पत्थर इकट्ठा होता है, और ऐसे क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। तो कई बार प्रश्न आता है सुंदरवन डेल्टा कौन से देशों के निकट स्थित है, तो याद रखना बांग्लादेश और भारत के। लेकिन ये सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है ये कहां पे बना हुआ है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि बंगाल की खाड़ी या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों ने बनाया है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। अगर ऑप्शन में ना हो तो पद्मा, और किसने बनाया? जमुना। और जमुना पद्मा दोनों ना हो तो किसने बनाया है? मेघना। तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी को अंत में क्या बोलते हैं? मेघना। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला है? जमुना। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला है? पद्मा। एक छोटा सा प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी बोले तो क्या बताओगे? भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी बोले तो क्या बताओगे? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं। किसका देश बोलते हैं? नदियों का। जबकि नहरों का देश पाकिस्तान को और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल लाओस को। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारे पता होने चाहिए सभी को। जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय आपके पुष्प। तो यहाँ याद रखेंगे राष्ट्रीय आपके खेल पूछे तो क्या बताओगे? हॉकी। हॉकी किस देश का और खेल है? तो याद रखना पाकिस्तान का। एक छोटा सा प्रश्न सुनना, हॉकी के प्रमुख कप पूछ लेगा आपसे, कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो हॉकी में जो प्रमुख कप है, एक का नाम है रंगा स्वामी। क्या नाम है? रंगा स्वामी। और एक का नाम है आपके आगा खां कप। किस में दिया जाता है? हॉकी में। और एक आपके मिलता है इसमें मेजर ध्यान
ध्यानचंद। लेकिन हॉकी का सबसे प्राचीन जो कप है, प्राचीन कप वो याद रखना, वो कौन सा है? बेटन कप। लेकिन इस हॉकी खेल ने ही भारत को विश्व में पहचान दिलवाई। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉकी खेल में भारत ने जो ओलंपिक है, ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड पदक। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत के हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल ओलंपिक में कितने जीते हैं? 8 जीते। ये आपको याद रखना है, कई बार आते हैं। इसी प्रकार हॉकी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति याद रखना, जिस व्यक्ति का नाम है मेजर ध्यानचंद। और ध्यानचंद को क्या बोला है? हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। और इस मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे, और बर्थडे को मैं बोल सकता हूं जयंती। क्या बोल सकता हूं? जयंती। तो कई बार प्रश्न आता है किसकी जयंती कब आती है? 29 अगस्त को। और इसी दिन हम बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और हॉकी खेल के एक टीम में, सिंगल साइड में, एक टीम में यानी कि एक पक्ष में आपके कुल प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? प्लेयर्स की संख्या, तो याद रखना 11 प्लेयर। जहां पर हॉकी को खेला जाता है उस जगह को परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। और परिसर का नाम क्या है? मैदान। तो हॉकी को खेलने के लिए क्या होना चाहिए? एक आयताकार मैदान की आवश्यकता पड़ती है। रख लोगे? हॉकी में खेल शब्दावली है हुक। तो हुक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा है। हॉकी खेल ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? गोल्ड पदक। वैसे ओलंपिक में इसने टोटल पदक कितने जीते? ये कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके हॉकी। एक छोटा सा प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ बताना है, राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल बताना है, राष्ट्रीय पक्षी बोले तो आपको मोर बताना है, राष्ट्रीय जलीय जीव बोले तो गंगा डॉल्फिन, जो पूर्ण रूप से आंखें नहीं होती लेकिन ये कभी भी मछली अपने गिल से सांस नहीं लेती, इसको भार आना होता है वातावरण में, यानी कि पानी से जब भार आती है तो अपने मुख से सांस लेती है। हालांकि जो मछली है वो अपने गिल से सांस लेती है। राष्ट्रीय वृक्ष बोले तो बरगद बताना है, राष्ट्रीयकृत बैंक बोले तो आरबीआई बताना है, राष्ट्र का प्रथम या सर्वोच्च नागरिक बोले तो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का गीत बोले तो वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान बोले तो जनगणमन बताना आपको। तो ये आपको राष्ट्रीय प्रतीक याद रखने। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। उस अशोक स्तंभ के नीचे एक हिंदी में शब्द लिखा गया जिसका नाम है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से। कहां से लिया गया? मुंडोक उपनिषद। एक छोटा सा प्रश्न है, हॉकी खेल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत और पाकिस्तान। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि 1922 में असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था या स्थगित, यहां पर किया गया, स्थगित का मतलब होता है बंद करना, रोकना या वापिस लेना। तो वापिस लेने का कारण क्या था कि अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय जनता इतनी हैवी हो गई थी कि भारतीय जनता ने या भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की एक पुलिस चौकी और 21 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। लेकिन पेपर में फंसेगा कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था वह 1920 में, और वापिस कब ले लिया? 1922 में। कारण क्या था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन 21 पुलिस कर्मचारियों को जलाने के कारण, क्योंकि गांधी जी चाहते थे यानी कि कोई लड़ाई वगैरह दंगा ना हो, शांति और अहिंसा के। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा चोरी चोरा नामक जो कांड हुआ है वो कहाँ हुआ है? यूपी के गोरखपुर। और ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, जो किसी समय पूरे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन आज सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली शहर बन गया। क्या बन गया? हुबली शहर। एक हुबली शहर है और एक हुगली नदी है। हुगली नदी कहाँ? कोलकाता में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा चोरा चोरी नामक कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? रोक दिया या वापिस ले लिया। अब ध्यान से सुनना, अक्सर आपसे पूछता है
कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो याद रखना, ये आंदोलन हुआ था 1942 में। एक और पूछूंगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपके 1913 में। एक और पूछूंगा, अगर आपसे बोल दे कोई कि मुस्लिम लीग या मुस्लिम पार्टी कब बनी थी, तो याद रखना 1906 में। और इससे पहले 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किया गया, जबकि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। इस प्रश्न में इतना ही याद रखना है कि चोरा चोरी नामक जो घटना घटती है वो किस शहर में घटी थी? गोरखपुर, जिसके कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापिस ले लिया? तो याद रखना, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब। अगला प्रश्न देखेंगे लाडले, क्या दिखे? इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर एक आपके क्या है? कंट्री है। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट राजधानी से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न बनता है। दो राजधानी आपको बताऊंगा, आपके फिल्टर फट जाएंगे। जैसे एक राजधानी का नाम है मनीला, क्या नाम है? मनीला। मनीला कौन से कंट्री की कैपिटल का नाम है? एक राजधानी का नाम है आपके रू मास्को, क्या नाम है? मास्को। मास्को कहाँ की कैपिटल का नाम है? एक राजधानी का नाम है आपके माले, माले है ये, माले, मारले नहीं है। अड़प तेरी दादी को भी आएगी, अड़प पड़ी है, याद रखना माले। क्या बताओगे? माले। और एक राजधानी का नाम है, याद रखना आपके काबुल, क्या नाम है? काबुल। अब ये सारी बातें बताओ, ये कहाँ की कैपिटल है? काबुल की बात की जाए तो ये भारत का उत्तरी पश्चिमी राज्य है, जिसका नाम है आपके अफगानिस्तान, क्या भैया? अफगानिस्तान। माले पूछे तो ये बताओगे मालदीप की, किसकी है? मालदीप की। वहीं पे मास्को पूछे तो ये किसकी है? रूस की है। मनीला की अगर बात की जाए तो ये फिलीपींस देश की, किसकी है भैया? फिलीपींस। और यहीं से एशिया का सबसे बड़ा रेमन मैक्सेस अवार्ड दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलता है। फिलीपीन देश, मनीला, मास्को, माले, काबुल। और एक और बता दो मुझे, अगर किसी को पता है कैन, कैनबरा किसकी है? कैनबरा याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया की, किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर प्रश्न आ जाए भारत की राजधानी, भारत भारत की राज राजधानी धानी क्या है? तो बोलोगे सर नई दिल्ली। और नई दिल्ली से जो बनी थी पहले वो क्या थी? कलकत्ता। और नई दिल्ली जो आपके घोषणा की गई दिल्ली को 1911 में, और स्थानांतरण कर दिया 1912 में। और नई दिल्ली नामक जो शब्द पड़ा वो कब पड़ा? 1931 में। कब पड़ा? 1931 में। एक दिन के लिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शहर को बनाई गई थी राजधानी। इसका राजधानी का नाम हो जाएगा कविटो, क्या है भैया? कविटो। कहाँ की कैपिटल है? इक्वाडोर की। कहाँ की भैया? इक्वाडोर की। तो इस प्रश्न में इतनी ही बात याद रखोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या दिया गया? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपको हेडक्वार्टर बहुत पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WTO का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, विश्व रेड क्रॉस, रेड क्रॉस संगठन का हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे, और पूछ लेगा आपसे UNO का हेडक्वार्टर, आपसे पूछ लेगा सार्क संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपसे पूछ लेगा आसियान संगठन का, आसियान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपसे पूछ लेगा ये वाला जिसका नाम क्या है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का ADB का हेडक्वार्टर पूछ लेगा। ये चारों पांचों बताइए, अगर ऊपर के तीनों पूछे तो एक ही शब्द बोलना है जनेवा, क्या बोलोगे? जनेवा। क्या बताओगे भैया? जनेवा आपको बताना है, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। जबकि यूएनओ की बात बोले तो कहां बताओगे? न्यूयॉर्क में।
और न्यूयॉर्क में ही कौन सा पढ़ता है, यूनिसेफ। क्या पढ़ता है? यूनिसेफ। इसको न्यूयॉर्क कर लेना, न्यूयॉर्क। अब सुनना मेरी बात, अगर सार्क संगठन का मुख्यालय बोले तो ये नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। क्या नाम भैया? काठमांडू। और जबकि आसियान, आसियान संगठन है जिसके 10 देश है, इसका मुख्यालय पड़ता है जकार्ता में। कहाँ पड़ता है? जकार्ता। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, याद रखना, फिलीपींस की कंट्री कैपिटल का नाम है मनीला। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर पेपर में आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताना है द हैग। और द हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है लाडले? नीदरलैंड में। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में कौन से संगठन का हो रहा है? आपके यूएनओ। लेकिन याद रखना, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि यूएनओ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और यूएनओ जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि डब्ल्यूएचओ संगठन किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखना 7 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन 1948, ये 1945 में, ये 1985 में, आसियान 1967 में, एशियाई विकास बैंक 1966 में, WTO याद रखना आपके 1995 में, रेड क्रॉस आपके 1863 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न कि कुचिपुड़ी, यहां इसको कुची करना, कुची, पुची मत करना, कुची करना, कभी पुची कर दो। वैसे एक पुची दिवस भी आता है, पुची का मतलब होता है चुम्मा, चुम्मन डे, पुची, 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 पुची को बोलते हैं किसी, क्या बोलते हैं? किसी, यानी कि किस, किसको बोलते हैं? चुम्मा। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। तो पुची या किस या चुम्मा दिवस कब आता है? याद रखना 13 फरवरी को आता है, जब फरवरी के कई सारे आप पूरा वीक सेलिब्रेशन करोगे, अपनी लोंडिया को कभी गुलाब दोगे, कभी लोंडिया को लोगे, कभी क्या करोगे, पता नहीं क्या क्या आएगा, ये राम बचाए इससे। तो याद रखना आपके कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य, तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो आपके कहाँ का है, याद रखना आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक कैसा नृत्य है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य। वो शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में कितने है? टोटल के टोटल 8 नृत्य, जिसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, और ये कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य, तो मेरी बात सुनना, भाषा, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला, बनने वाला, वाला प्रथम, प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य कौन था, तो याद रखना आपके कौन सा, आंध्र प्रदेश। और कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। और इस आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, उत्पादन, वो याद रखना आपके तंबाकू, तंबाकू। तो भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश में एक झील पड़ती है, क्या पड़ती है? एक झील है, उस झील का नाम है पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट। तो पुलिकट झील, और इसके अंदर एक द्वीप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है श्री श्री हरि हरि कोटा। और इस श्री हरि कोटा से भारत के जितने भी उपग्रह, उनको लॉन्च किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है। यहीं पे एक अंतरिक्ष ध्वज केंद्र बना हुआ है, जिसका नाम है सतीश ध्वज अंतरिक्ष केंद्र। तो कई बार प्रश्न आता है कि सतीश, सतीश ध्वज, ध्वज अंतरिक्ष, अंतरिक्ष केंद्र भारत के कौन से राज्य में है, तो याद रखना आपके आंध्र प्रदेश में। और ये सतीश ध्वज अंतरिक्ष केंद्र से ही
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975। तो यहां पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भारत का वयोमेधेश्वर, इसको बोलते हैं वृद्धतम पुरुष, वृद्धतम पुरुष, या अंग्रेजी में बोलते हैं द ग्रेट ग्रेट ओल्ड मैन। तो भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन किस व्यक्ति को बताया, सबसे बड़ा पुरुष भारत का किसको बताया गया, बताते चले मुझको, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा, मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा टूट जाता है, तो टूटने दो वादा। आपके पेपर में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट है, इनको अच्छे से लगाइए, काम देगा, ठीक है ना। तो सुनना मेरी बात, भारत का जो वृद्धतम पुरुष है द ग्रेट ओल्ड मैन, ये याद रखना, ये ब्रिटेन की संसद में बनने वाला भारत की ओर से पहला ब्रिटिश एक सांसद था, क्या था, एक सांसद। तो कई बार प्रश्न आता है ये इस व्यक्ति का नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद, याद रखना ब्रिटेन की संसद में बनने वाला सदस्य भारत का प्रथम कौन था, तो आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी। राफत गुफ्तार नामक इसने एक समाचार पत्र भी चलाया। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, इसका उपनाम तो याद रखना, इसे बोलते हैं नेताजी, क्या बोलते हैं, नेताजी, और ये नेताजी की उपाधि दी थी अडोल्फ हिटलर ने, इसी के द्वारा बोला था दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और 1943 में जो 1942 में बनाई गई आजाद हिंद फौज, उसको बाद में ये सरकार का नाम देता है, कहां से, सिंगापुर से। तो कई बार प्रश्न आता है आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में किस व्यक्ति के द्वारा, तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, तो इसका जो उपनाम है इसे लोकमान्य बोलते, क्या बोलते हैं, लोकमान्य। इस लोकमान्य के द्वारा एक बुक लिखी गई है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, उसे बोलते हैं गीता रहस्य। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक या पत्रिका किसकी है, तो याद रखना आपके लोकमान्य। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिकाएं चलाई हैं, पत्रिकाओं का मतलब होता है समाचार पत्र। तो ये समाचार पत्र, इनके नाम क्या है, एक का नाम है केसरी और एक का नाम है भैया मराठी, केसरी और मराठा, हाँ मराठी मत करना, केसरी और मराठा दो क्या चलाए इसने, पत्रिकाएं चलाई। इसी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बात बोली गई थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में पुणे महाराष्ट्र में होम रूल की स्थापना की गई थी, और बाद में सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना मद्रास के क्षेत्र में एनी विसेंट के द्वारा की गई। एनी विसेंट 1916 के बाद 1917 में कांग्रेस की लीडर बनने वाली पहली महिला, कई बार प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी विसेंट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत बातें हैं, यहां पर दो प्रश्न आपको बताता जो पेपर में पूछता है, आपसे पूछेगा महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, तो याद रखना राष्ट्रपिता महात्मा, अर्धनगन फकीर, बापू, देशद्रोही भी कहा जाता है, किसको, महात्मा गांधी को। ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी ने जो जन्म लिया था ये गुजरात के काठियावाड़ जिले का एक गांव पड़ता है पोरबंदर, जो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का एक वैश्य परिवार में जन्म होता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम याद रखना करमचंद गांधी,
जबकि इनका नाम था मोहनदास। क्या नाम था? मोहनदास। तो इसने पूरा नाम यूज किया मोहनदास करमचंद गांधी। बताते हैं कि बाप बेटे दोनों ने वकालत की है। ये गुजरात के बहुत बड़े राजकोट नामक जगह के दीवान होते थे। दीवान का मतलब वकील। महात्मा गांधी ने केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? ये आपके दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में ये जाते हैं 1893 और वहां से लौटते 1915 में। और 1915 में जब लौटे भारत में तो युद्ध चल रहा था जिसका नाम था प्रथम वर्ल्ड वार। तो अक्सर पेपर में आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 9 जनवरी। इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, GKGS प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जहां दिया उसे अपना एक प्रिय पारक बना दिया, उसे डियर पारक के नाम से जाना जाता है। और ये डियर पारक किस जगह को बोलते हैं? सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो डियर जो पारक है ये राजगृह, गया, सारनाथ और आपके सांची। याद रखना यहां उपदेश की बात कर रहा है अपने विचार प्रकट करने के। और उपदेश दो दिए थे, एक इसका चचेरा भाई था जिसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। और एक इसका एक और व्यक्ति था उसका नाम था उपाली। क्या नाम था? उपाली। तो आनंद व उपाली महात्मा बुद्ध के पहले क्या बने थे? स्टूडेंट्स। क्या बने थे? शिष्य बने। और इन शिष्यों को यानी कि विचार क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है। तो ये उपदेश कहां दिए थे? याद रखना आपके सारनाथ में। कहां दिए थे? सारनाथ। जबकि महात्मा बुद्ध को गया नामक जगह से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त होती है। लेकिन अशोक के द्वारा निर्मित आपके पूछ लेगा क्या? स्तूप। क्या पूछ लेगा? स्तूप। और इसका स्तूप का नाम क्या है? सांची का स्तूप। कहां पड़ता है? एमपी में। तो ये कई बार प्रश्न आता है एमपी के स्तूपों का निर्माण किस राजा या शासक के द्वारा? अशोक के द्वारा। एक छोटा सा देखो, गया बिहार में पड़ता है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बहुत बातें बदलाव हुई। बौद्ध धर्म में सभी के आगे क्या शब्द लिखने लग गए? बुद्ध शब्द लिखने लग गए। क्या लिखने लगे? बुद्ध। इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया? बोध। बोध गया। क्या पड़ गया? बोध गया। तो बोध गया और गया एक ही बात। और ये कहां पड़ता है? बिहार में। यहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने जो अपना जन्म लिया है वो याद रखना लुम्बिनी। और लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। जबकि महात्मा बुद्ध को जो मोक्ष या मृत्यु हुई वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जिसे बौद्ध धर्म के सिद्धांत में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। जबकि जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा तो ग्रह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था, जो नेपाल के कपिलवस्तु के प्रधानमंत्री थे, जिसे शूद्रोधन बोलते। जबकि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन मर जाती है। लेकिन महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण प्रजापति पहली बौद्ध धर्म की भिक्षुकणी और नाम आता है प्रजापति गौतमी के द्वारा। इसलिए महात्मा बुद्ध का जो नाम है वो गौतम बुद्ध पड़ा था, आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने एक बेटा है जिसका नाम क्या है? आपके राहुल। क्या नाम है? राहुल। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ, याद रखना। महात्मा बुद्ध किस धर्म से जुड़े हुए हैं ये सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। जिन्होंने अभी तक GKGS 2024-25 के एग्जाम का सपना लिया है कि अब की बार वर्दी हमारे पास या हमारे कंधों पे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, माता पिता की आंखों में अब आंसू नहीं, उनके चेहरे पर खुशियाँ होनी चाहिए, तो ये सारे विद्यार्थी GKGS का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, 1 से लेकर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।